मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल। और उस टॉपिक में इतना मजा आएगा अपने को पढ़ने में, ये मान लो मॉडर्न हिस्ट्री आज के बाद आप ये नहीं कह पाओगे कि हिस्ट्री बोरिंग है, ये नहीं कहोगे, ये गारंटी है मेरी। पूरी वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर देना, और फिर देखो कैसा मजा आता है अपने को हिस्ट्री पढ़ने में भी। क्या सर, हिस्ट्री पढ़ने में भी मजा आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, हिस्ट्री पढ़ने में भी बिल्कुल मजा आएगा। इधर देखना आप, क्या बात है कि साइमन कमीशन पता है सबको 1927 में आया। सर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों आया ये किसी को नहीं पता होता, या पता भी होता है तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अपन देखते हैं पेपर के अंदर कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, वो चीजें भी सीखेंगे, प्लस इसका बैकग्राउंड और इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको भी देखेंगे अपन, ठीक है? तो आपको सबको पता होगा जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है साइमन कमीशन, ठीक है? तो साइमन कमीशन निकल के आया 1919 के अंदर, जब भारत वाले होम रूल लीग मूवमेंट कर रहे थे, यानी विंसेंट वगैरह, लाला लाजपत राय वगैरह, ये कब कर रहे थे? ये सब के सब कब कर रहे थे? 1915 और 1916 के अंदर, ठीक है? तो इन सबको वो देख के कि भाई 1914 के अंदर क्या स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया इधर तो, और इधर चल रहा है ये होम रूल लीग मूवमेंट वगैरह। अब भाई अंग्रेजों ने सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अगर इंडियंस अपना साथ नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस को बोला कि यार तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट बनाने में तुम्हारा खुद का पार्टिसिपेशन देंगे, किसके अंदर, सत्ता के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तुम्हारा पार्टिसिपेशन देंगे हम। तो भाई इंडियंस खुश हो गए थोड़े से, इंडियंस को तो बस इतना ही चाहिए था। इंडियंस बोले ठीक है, तो बोलते हैं कि एक बार हम तो हमारी वर्ल्ड वॉर के अंदर मदद करो। इंडियंस वर्ल्ड वॉर के अंदर गए भाई, बहुत सारे आर्मीज गई अपनी, ठीक है? तो उसके जस्ट बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 के अंदर, 1919 के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने अपने कहने के मुताबिक मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 लेके आ गए, ठीक है? ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ये क्या क्या है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में बता रखा है कि उस टाइम पर कौन हम पे क्या कर रहा था, राज कर रहा था, दो पोस्ट होती थी, तो उनके बारे में बता रहा है, ठीक है? तो भाई साहब ये जैसे ही बोले क्या है, तो इसके टाइम पे जो हेड थे ना उसका नाम था जॉन बिरकन हेड, ठीक है? तो ये भाई साहब थे जॉन बिरकन हेड थे इस टाइम पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जब ये आया। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो अब इंडिया का क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा, कुछ एक पावर दी थी इन्होंने हमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग, 1919 के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि भाई कुछ एक पार्टिसिपेशन किसका होगा, इंडियंस का भी होगा इसके अंदर, ठीक है? तो हम ये बात भी ठीक थी। फिर उसके बाद इन्होंने 1919 के अंदर ही एक बात कही कि जो मैं आज ये बना रहा हूं ना, जो आपका ये आया है, ये रिफॉर्म आया है, इसको रिव्यू करने के लिए 1929 के अंदर एक कमीशन आएगा, और वो कमीशन देखेगा कि इस जो रिफॉर्म है ये इसने किस प्रकार से काम किया है, ठीक है? तो वो बोले ठीक है, इंडियंस खुश हो गए। तो भाई जैसे ही 1927 के अंदर ही एक कमीशन आया ब्रिटेन से, कब 1927 के अंदर ही आना, कब था, 1928 या 29 के अंदर, लेकिन आ कब गया, 1927 के अंदर। इसके अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, और सातों के सातों ब्रिटिश। अब भारत वालों का क्या हो गया, गुस्सा फूट पड़ा कि ये गोरे हमें जीना सिखाएंगे, ये हम पर रिव्यू करके जाएंगे। उन्होंने कहा भाई तुमने पार्टिसिपेशन की बात की थी कि हम तुम्हें पार्टिसिपेशन देंगे, अब तुम क्या कर रहे हो, ब्रिटिशर्स लगा दी सातों के सातों, कुछ तो रहम करो, कुछ तो हमारे इंडियंस को लगाओ इसके अंदर। लेकिन भाई साहब बन के आ गया थे ये तो भाई साहब जॉन बिरकन हेड बोलते हैं कि यार देखो बन के तो आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस टाइम पे बहुत ही खतरनाक जो स्लोगन था वो चला, मतलब मजा आ गया था इस स्लोगन के अंदर कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। भाई साहब पत्थर लाठी चार्ज होने लग गए, तो साइमन गो बैक का नारा लगने लग गए। 1928 की बात चल रही है, ठीक है? जैसे ये नारा लगना स्टार्ट हुआ, अब भाई साहब इधर से
अपने लाला लाजपत राय, वो भी क्या कर रहे थे, इनके अंदर शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो साइमन, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो वहां के जो लीडर थे, मतलब जहां वहां पर कुछ जो भी पुलिस चौकी के अंदर हेड थे, उन्होंने क्या किया कि भाई साहब, जहां पर अपने लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं, ऐसे मानने वाले नहीं है, ये इडियट्स हैं, बहुत ढीठ आदमी है, तो इनको क्या करो, ऐसे नहीं मानेंगे ये, मतलब ऐसी सोच रखते थे अंग्रेज हमारे बारे में। तो वो बोलते हैं कि इनको है ना लाठी चार्ज कर दो इनके ऊपर। तो भाई लाठी चार्ज होने लगी, और ना चाहते हुए मतलब बदकिस्मती से वो लाठी जो अपने लाला लाजपत राय है उनके सर में जा लगी, और सर में जा लगी तो उनकी कुछ ही दिन बाद क्या हो गई, मौत हो गई। अब जैसे ही लाला लाजपत राय की मौत हुई, तो वहां के वो लीडर्स थे, तो वहां से और क्या हुआ, गुस्सा और फूट पड़ा किसके अंदर, जो वहां के फार्मर्स थे या लोकल पीपुल्स थे, उनके अंदर गुस्सा और फूट पड़ा। तो समझ रहे हो, अब साइमन का रहना क्या था, मुश्किल था। अब इन्होंने कह दिया जॉन बिरकन हेड को कि अब तो देख लो, मतलब या तो तुम ही रहोगे या हम ही रहेंगे, इंडियंस को अपॉइंट कर दो, अब कुछ भी हो जाए। तो ये बोलता है भाई देखो, जॉन बिरकन हेड बोलता है कि देखो यार, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये जो भी है ना अपना साइमन कमीशन, ये तो फॉर्म हो चुका है और इसके अंदर आ भी गए हैं, और इसका हेड कौन कर रहा था, साइमन कमीशन इसका नाम क्यों पड़ा, इसको हेड कर रहा था सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, इसीलिए इसके अंदर साइमन कमीशन इसका क्या पड़ा, नाम पड़ा, सर जॉन साइमन इसको हेड कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि देखो बन गया, अब इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ब्रिटिश वहां से बन के आया है, एक काम करो तुम भी अपना एक बना लो, तुम भी अपना एक बना लो। तो उस टाइम लीडर जो अपने मोतीलाल नेहरू थे, बहुत ही दिमागदारी से सोच के उन्होंने दिमाग वगैरह लगाया, फिर सोच के बोला, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे हम भी। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। खूब सुना होगा नेहरू रिपोर्ट के बारे में, क्या नाम था, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई, मोतीलाल नेहरू ने, एमएलएन ने, मोतीलाल नेहरू ने क्या बना दी, नेहरू रिपोर्ट बना दी, और उसके अंदर भाई रख दिया अंग्रेजों के सामने। तो भाई जैसे ही पहले, सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो उनके अंदर रखा इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने रखा इस रिपोर्ट को। तो इन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, कौन, बोस, उन्होंने इसको क्या कर दिया, नकार दिया कि नहीं, अच्छी रिपोर्ट नहीं है, ज्यादा दिमाग इसमें मतलब वो नहीं है जो अपन चाहते ना, वो सब नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको नकार दिया। अब भाई उन्होंने तो कह दिया था सर जॉन, ये लॉर्ड बिरकिन हेड ने तो कह दिया था कि बना लो अपनी रिपोर्ट, देखेंगे कौन से की क्या है, तो दोनों को मिला के कुछ कर देंगे। तो भाई साहब उसके जस्ट अगले ही साल ये जो अपने मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को कांग्रेस के अधिवेशन में पास करवा लिया, और सर सॉरी ये लॉर्ड बिरकिन हेड के सामने रख दिया। अब जैसे ही इन्होंने क्या रखी, अपनी नेहरू रिपोर्ट रखी, तो इधर भाई साहब साइमन कमीशन भाग गए थे 1928 के अंदर, और 1928 के अंदर भाई साहब ने बना के दे दी थी रिपोर्ट। तो 1929 के अंदर आखिरकार साइमन कमीशन वापस भारत आए और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। दोनों की रिपोर्ट अब किसके पास थी, लॉर्ड बिरकिन हेड के पास थी, और लॉर्ड बिरकिन हेड इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने कहा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। कितनी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी, और इन्हीं टेबल्स के, ये जो अपनी जो आई है ना, ये जो सबमिट करवाई थी रिपोर्ट, इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकल के आया है, वो इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर आया है, इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर आया है। तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूं,
था अपना थ्योरेटिकल डाटा। तो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के ऊपर हुए हैं, जो कि 1930 से लेके 1932 के बीच में हुए थे, थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या है ना, इसके बारे में बहुत कुछ लिखाना है मेरे को, सारी चीजें लिखा के और आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड भी करवानी है मेरे को। तो अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि ये कब कब किस किस डेट को क्या क्या हो रहा था। आप ये बताओ, आपको ओवरव्यू समझ में आया? थोड़ा बोरिंग लगा क्या? अब बताओ आप मेरे को, थोड़ा समझ में आया ना, मतलब पैटर्न कैसे हो रहा था, कौन क्या क्या कर रहा था, इधर लॉर्ड बिटकिन हेड क्या कर रहे थे, उधर से जो साइमन कमीशन वो क्या कर रहे थे, लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे, थोड़ा सा दिमाग में तो आया होगा ना, चीजें घूम तो रही होंगी ना। तो उन सबको अपन क्या करेंगे, रिटर्न फॉर्म में लेंगे। तो अगले वीडियो के अंदर पूरा आपको रिटर्न फॉर्म में मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि, और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जो भी अपना अगला वीडियो आएगा इसके ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर आएगा अगला वीडियो, तो आपको जब की जब आपको क्या मिल जाएगा, वो बेल आइकन से दबाया हुआ मिल जाएगा। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। देखो मजा बहुत आएगा अपने को पूरे, अब मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, तो मजा आएगा अपने को। तो इस सफर को जारी रखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।